नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गुना मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। विद्यालयीन छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति गीतों पर आधारित दी गई प्रस्तुति। गुना 1 नवंबर 2023 मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त कार्यालय कलेक्ट्रेट गुना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं राष्ट्रीय गान का गायन किया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी गुना दिनेश सावले, डिप्टी कलेक्टर जिया फातिमा, डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर संजीव खेमरिया, डिप्टी कलेक्टर शिवानी पांडे, तहसीलदार गुना गौरीशंकर बैरवा, तहसीलदार श्रीमती अमिता सिंह, तहसीलदार गुना ग्रामीण कमल मंडेलिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विशाल सिंह सहित कलेक्ट्रेट कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति गीत में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गुना, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल कैंट गुना और लोकगीत में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल गुना की छात्राओं द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का गायन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन सीएम राइज प्राचार्य आशीष टांटिया द्वारा किया गया। छप्पन को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और तब समय जो भी चार प्रांत थे उनको उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। बाद में 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर एक पृथक राज्य बना। आज के इस अवसर पर पूरे जो है मध्य प्रदेश में यह दिवस मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास और गरिमामय तरीके से जो है मनाने के निर्देश शासन से भी मिले हैं। तो इसी क्रम में आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आज हम सभी का दायित्व तो बनता है प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में जो आज हमारे समक्ष बैठे हैं, प्रशासन में जो सेवाएं दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के विकास में जो है हम अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हम वैसे भी जो है शासकीय योजनाओं के माध्यम से जो भी सरकार के कार्यक्रम है और जो भी योजनाएं होती है उसमें जो है हम अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और प्रदेश के विकास में जो है हमारा योगदान रहता है। आज भी जो है हम ये लोकतंत्र का जो है महापर्व अभी आयोजित होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव का कार्यक्रम है उसमें भी हम सब अपनी आहुति दे रहे हैं, हम अपना सहयोग कर रहे हैं। तो प्रदेश के विकास में भी जो है जो हमारी भूमिका हो उसका हम निर्वहन करें। पुनः मैं जो है आज के इस अवसर पर सभी को शुभकामनाओं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। गुना से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ सौरभ जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.